हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो ग्रुप ड्राइवर के जो है पोस्ट का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आज का ये उसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखने वाले हैं। इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो दिया गया है कि किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इनमें से कौन सा जो समूह है वर्ण का, वो उच्चारण स्थान उसका मूर्धा, यहाँ पे बताना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सही है बी पार्ट। ठीक है, जो सा री ट और ठा जो होता है, ये मूर्धा व्यंजन होता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी च छा ज झा जो होता है और सा जो होता है, ये वाला ये होता है तालु व्यंजन। ठीक है, बाकी त था धना जो होता है, ये आपका होता है दंत व्यंजन, और दंत में सा भी आता है, ये वाला। ठीक है, क खा का वर्ग जो आता है, क खा ग घ और छोटा आ, ये वर्ण जो होते हैं ये कंठ व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अगले प्रश्न में बताना है, तो यहाँ पे सही रूप से जो लिखा हुआ वो ऑप्शन कौन सा है, तो वो है अभिव्यंजनावाद, जो बी पार्ट में लिखा हुआ ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, तो अभिव्यंजनावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो लिखा हुआ है वो ए पार्ट में लिखा हुआ है, नरक, जो कि ए पार्ट में लिखा हुआ है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है यह बताना है। ठीक है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वाक्य में नेपोलियन जो है किस प्रकार के संज्ञा को यहाँ पे व्यक्त करता है, तो यहाँ पे नेपोलियन जो है जातिवाचक संज्ञा को व्यक्त करेगा, मतलब जाति को व्यक्त कर रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मतलब कि जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम रूप ग्रहण कर ले तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे कि महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो जातिवाचक रूप में प्रयोग किया गया है। निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, सकर्मक क्रिया और होती है अकर्मक क्रिया, यहाँ पे कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन दिया गया सिपाही तेज दौड़ता है, दूसरा है सिपाही युद्ध में लड़ता है, तीसरा है सिपाही चोर को पकड़ता है, चौथा है सिपाही कम सोता है। तो दिए गए वाक्य में सिपाही चोर को पकड़ता है, ये जो वाक्य है ये क्या है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सिपाही चोर को पकड़ता है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े, तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि श्याम खाता है, श्याम आम खाता है, इस वाक्य में श्याम करता है, खाने के साथ उसका कृत रूप से संबंध है, तो यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है, तो यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में अगर हम देखें तो हेत हे दुमद, ये भूतकाल के रूप में आता है, हेत हे दुमद भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इस काल से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सकी, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के पहले लगता है, और यहाँ पे एन वक्त शब्द में अगर हम देखें तो एन उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये अरबी फारसी का उपसर्ग है, एन उपसर्ग से बने शब्द, एन वक्त हो गया, एन मौके हो गए, ये सब जो है इससे बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अनय शब्द विप्रार्थक बताना, मतलब विलोम, अनय का विलोम क्या होता है, तो अनय का विलोम हो जाएगा नय, जो कि दिया गया है सी पार्ट में। ठीक है, आदि का विलोम क्या होता है, आदि का विलोम अंत होता है। ठीक है, और ऊपर ऊपर का विलोम होता है अधः अधः। ठीक है, अधः, और अनघ का विलोम होता है अघ। चलिए उद्दात का विलोम बताना है, उद्दात का विलोम होता है, ऑप्शन दिया गया सी पार्ट, अनुद्दात, जो कि इसका अर्थ हो जाएगा, इसका विलोम, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
इनमें से अरण शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना। अरण शब्द का पर्यायवाची, तो अरण जो होता है वो कांतार का पर्यायवाची या कांतार अरण का पर्यायवाची है, ठीक है। और अरण के अन्य पर्यायवाची में वन, कानन, ठीक है, ये सब वन के पर्यायवाची हैं। वन, कानन, विपिन, विटप, ये सभी जो है वन के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें, इसमें से? तो विष्णु की अगर हम बात करें इसमें, तो कमलासन जो है ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता, ठीक है। कमलासन जो होता है यह ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, तो यही एक अलग हो जाएगा, बाकी सारे जो है विष्णु के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा होगा? ईर्ष्या का पर्यायवाची की बात करें क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें डाह जो दिया गया है डी पार्ट में, जो हो कि एक ईर्ष्या का पर्यायवाची है, ठीक है। इसका अन्य पर्यायवाची जलन होता है, द्वेष भी होता है ईर्ष्या का पर्यायवाची, ठीक है, रस्क भी होता है ईर्ष्या का पर्यायवाची। चलिए, प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रसाद और प्रसाद की हम बात करें, तो पहला प्रसाद जो है इसका अर्थ होता है कृपा, दूसरा प्रसाद है इसका अर्थ होता है महल। तो यहाँ पे कृपा और महल इसका राइट आंसर, जो कि डी पार्ट में लिखा, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है जो देखने योग्य ना हो उसके वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी पार्ट हो जाएगा, अदर्शनीय, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही है। धन से संबंध रखने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो धन से संबंध रखने वाले को एक शब्द में हम कहेंगे आर्थिक, ठीक है, आर्थिक होगा इसका सही रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृराम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? मातृराम क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है, मातृराम का शुद्ध संधि विच्छेद, तो मात्र प्लस ऋणाम इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, जो कि ये सही शुद्ध संधि विच्छेद है। और ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सद्धर्म का संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे सत प्लस धर्म, जो कि डी पार्ट में लिखा हुआ है, और ये जो है एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा सत प्लस धर्म। बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है? अगले प्रश्न बताना है बखूबी, बखूबी मतलब खूबी के साथ, यहाँ पे बा जो अव्यय आ जाता है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसमें जो है पहला पद प्रधान होता है और इसका जो सामासिक पद या समास पद जो होता है वो अव्यय होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। चलिए, घुड़दौड़ शब्द जो है किन दो शब्दों से बना है? घुड़दौड़, तो घुड़दौड़ जो है ये घोड़ा और दौड़ के पद के योग से बना हुआ है, तो घोड़ा और दौड़ इसका राइट आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यहाँ पे अगर समास विग्रह करेंगे तो घोड़ों की दौड़ इसको कहा जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है? तो ये कहा गया है विश्वनाथ के द्वारा, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में कहा है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न में हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? वाक्य दिया गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशोदास और कवि खगोत सम जह तह करत प्रकाश, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? तो यहाँ अगर हम बात करें तो प्रयोग किया गया है ये अलंकार यमक अलंकार का। यमक अलंकार की परिभाषा होती है जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, तो वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ पे सूर शब्द जो दिया गया है वो दो बार आया है, और यहाँ पे सूर सूर दो बार दिया गया है। सूर शब्द में जिसका एक अर्थ होता है सूर्य यानी कि सूरज, और दूसरा अर्थ होता है सूरदास, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिराग गुल पगड़ी गायब, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? चिराग गुल पगड़ी गायब, इसका अर्थ होता है मौका मिलते ही धन को उड़ा दिया जाना, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 से 25 जो होंगे ये आपको गद्यांश पढ़ कर देना है, गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा, इतना गद्यांश दिया गया है, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जीवन लक्ष्य क्या था? गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा मानव का निर्माण करना, मानव निर्माण जो था जीवन लक्ष्य स्वामी विवेकानंद जी के रहा था, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, गद्यांश ही है कि व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? तो व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, व्यक्तियों के समूह से गद्यांश के अनुसार निकल के आएगा राष्ट्र कहा जाता है। विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे? तो विवेकानंद जी गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको निकल के आएगा सशक्त और स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। चलिए, तो ये हो गया हिंदी के क्वेश्चन, अब हम देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। 26 नंबर से स्टार्ट है, जिसको हम 50 तक देखेंगे, इसके बाद GS, फिर इसके बाद उससे लास्ट में हम मैथ के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, बताना कि कहाँ पर ग्रामेटिकली एरर दिया गया है इस वाक्य में? ये वाक्य दिया गया, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑन विच द इंडियन स्टेट रन इज दैट देयर शैल बी नो
डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यहाँ पे कहाँ गलती किया गया है ये बताना है इसे। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसमें वाक्य में तो यहाँ पे इंडियन स्टेट रन जो लिखा हुआ है ये गलत के इसके स्थान पर होना चाहिए था इंडियन स्टेट रन्स, ठीक है, रन की जगह पे रन्स होना चाहिए था, ठीक है। जहाँ पे अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट जो द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है ये सिंगुलर में लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, तो इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जो कि रन नहीं होगा, रन्स का प्रयोग करना करा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलती किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें भरना है लंदन इज डैश यूरोपियन सिटी, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो यूरोपियन जो लिखा हुआ इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, तो इसके पहले हम लगाते हैं ए, क्योंकि जब इसको हम ए का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि पहला अक्षर जो होता है वो हिंदी व्यंजन का शब्द अगर आ जाता है तो वहां पर ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उच्चारण अगर करते हैं तो यूरोपियन जो होता है यू से शुरू होता है, यूरोपियन क्या है यू से शुरू होता है, यू के पहले ए लगाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ ए लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया गया है, दिया है द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट पेशेंट कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक, यहाँ पे इनडायरेक्ट इसका बताना है क्या हो जाएगा। तो 28 नंबर का हो जाएगा डी पार्ट, द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट टू कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द फॉलोइंग वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक की जगह पे फॉलोइंग वीक कर देते हैं, तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, एक्टिव पैसिव बताना है, इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा। लेट द शॉप बी ओपन, लेट द शॉप बी ओपन का एक्टिव हो जाएगा ओपन द शॉप, ठीक है, ओपन द शॉप जो कि सी पार्ट में लिखा, तो इसका जो एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, अंडरलाइन वर्ड जो दिया गया है इसके इडियम है और इसका हमें अर्थ बताना, ठीक है। देयर वॉज नो वन इन द टीम हु कुड बेल द कैट, इसका हमें अर्थ बताना, एंड टेल द प्रोड्यूसर द ट्रूथ, ठीक है। तो बेल द कैट का अर्थ क्या होता है, तो बेल द कैट का अर्थ होता है असंभव कार्य करना, ठीक है, असंभव कार्य, इसका अर्थ क्या जाएगा, असंभव कार्य करना। बेल द कैट मतलब कि बिल्ली को गले में घंटी बांधना, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है टू डू द इम्पॉसिबल टास्क, मतलब कि असंभव कार्य करना, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले प्रश्न में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल, मतलब कि उसको हम अगर एक शब्द में कहेंगे तो उसको हम कहते हैं अमेचर, आंसर सी ऑप्शन, अमेचर मतलब शौकिया, शौकिया, ठीक है, शौकिया या फिर अव्यवसायी उसको कह सकते हैं। वेटरान का अर्थ होता है अनुभवी, वेटरान का क्या अर्थ होता है, अनुभवी, ठीक है। एक्सपर्ट का अर्थ होता है विशेषज्ञ, प्रोफेशिएंट का अर्थ होता है उस्ताद। अगला प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन में बताना इसका जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा इसमें है, मतलब कौन सही रूप से लिखा हुआ है, तो वो लिखा है हाइनस जो कि सी पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, इसका अर्थ होता है जघन्य, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची बताना है, ठीक है, पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची बताना है, डिफरेंस का पर्यायवाची बताना है, डिफरेंस का पर्यायवाची क्या हो जाए, डिफरेंस जो डिफरेंस लिखा है इसका मतलब सम्मान, सम्मान या आदर या इज्जत इसको कह सकते हैं, इसका पर्यायवाची हो जाएगा ओबिशियंस जो कि ए पार्ट में लिखा हुआ है, इसका ओबिशियंस हो जाएगा, ठीक है। इग्नोरेंस मतलब होता है अविद्या या फिर इग्नोरेंस मतलब अज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। डिले 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 मतलब कि विलंब या देरी, ठीक है। कंट्रास्ट कंट्रास्ट मतलब विरोध विरोध या फिर विषमता कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है, मतलब पर्यायवाची ही बताना है इसमें अगले वाले में। हमधर्म हमधर्म का पर्यायवाची बताना, हमधर्म मतलब होता है नीरस, इसका अर्थ क्या होता है नीरस, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा 34, तो इसका हो जाएगा मोनोटोनस, ठीक है, मोनोटोनस मोनोटोनस मतलब ये नीरस ही होता है। सिंक्रोनिक मतलब समकालिक हो जाता है, ठीक है, सिंक्रोनिक। नॉइस नॉइजी या नॉइस मतलब शोरगुल, ठीक है, शोरगुल भरा। म्यूजिकल मतलब संगीत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम, एंटोनेम मतलब विलोम शब्द बताना, ठीक है। कॉन्टाजियस कॉन्टाजियस का विलोम, इसका मतलब होता है संलग्न, ठीक है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा 35 का, तो हो जाएगा सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब अलग अलग, सेपरेटेड मतलब क्या होता है अलग, तो इसका यह विलोम हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में भी हमें एंटोनिम बताना है। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का एंटोनिम क्या होगा? तो प्रोलिफिक मतलब होता है उपजाऊ, प्रोलिफिक मतलब उपजाऊ होता है या उर्वर भी कह सकते हैं, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ, अनुपजाऊ का अर्थ हो जाएगा अनप्रोडक्टिव, ठीक है, अनप्रोडक्टिव, तो यही इसका विलोम हो जाएगा, बी पार्ट, बी पार्ट क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में हमें भरना है, ठीक है। व्हेन वी गॉट होम लास्ट नाइट वी फाउंड दैट द गेस्ट डैश, यहाँ पे क्या भरा जाएगा आगे यही बताना 37 में। तो यहाँ पे हम भरेंगे हैड अराइव्ड, ठीक है। व्हेन वी गॉट होम लास्ट नाइट वी फाउंड दैट द गेस्ट हैड अराइव्ड, क्योंकि उपरोक्त भाग में भाव के अनुसार रिक्त स्थान में हम यहाँ पे प्रीपोजिशन आर तथा फॉर का प्रयोग करेंगे, और क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे पास्ट की अगर दो घटनाएं होती हैं किसी सेंटेंस में, तो जो डिनोट की गई हो, तो जो कार्य पहले हो चुका हो उसके लिए वर्ब का पार फॉर्म जो होता है पास्ट परफेक्ट में होता है, जबकि बाद में होने वाली जो कार्य होती है, घटना होती है, उनके लिए वर्ब जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है, ठीक है। तो वी फाउंड दैट द गेस्ट हैड अराइव्ड, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा हैड अराइव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। द वाइब्रेशन फ्रॉम विंड इंस्ट्रूमेंट डैश ऑलवेज पॉजिटिव एंड गुड डैश योर ब्रीदिंग एंड हेल्थ, यहाँ पे क्या क्या भरा जाएगा? प्रीपोजिशन भरना है, क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर देखते हैं तो पहले में यहाँ भर देंगे आर, द वाइब्रेशन फ्रॉम विंड इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड गुड फॉर योर ब्रीदिंग एंड हेल्थ। तो यहाँ पे आर तथा फॉर का प्रयोग हुआ, क्योंकि वाइब्रेशन जो है ये किस में लिखा हुआ, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, प्लूरल है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा, यानी कि आर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, प्लूरल वर्ब लगेगा। फिर इसके बाद गुड फॉर समथिंग और समबडी का प्रयोग होता है, तो गुड फॉर योर ब्रीदिंग एंड सम हेल्थ, इस तरीके से यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे आर और फॉर मतलब बी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न में भी हमें भरना ही है, सी डजंट नो डैश टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज द प्रपोजल, यहाँ पे क्या भरे जिससे कि ये पूर हो जाए? तो यहाँ पे हम भर देंगे वेदर, ठीक है। वेदर, वेदर इसलिए हो क्योंकि वेदर का अर्थ होता है दोनों में से कौन सा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग संदेह व्यक्त करने के लिए करता है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, द ओनर ऑफ द हाउस वाज डैश एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन स्ट्रेंजर, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो 40 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इंडिग्नेंट भरा जाएगा, जो कि इसका अर्थ होता है क्रोध से, ठीक है, क्रोध से, तो आंसर हो जाएगा क्रोध से, जो कि इंडिग्नेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैड ओन द मैच व्हेन ही, सी हैड वन द मैच ओन व्हेन ही डैश द वेन्यू, यहाँ पे क्या भरेंगे? क्वेश्चन नंबर 41, तो 41 से उनका सी पार हो जाएगा रीच्ड, ठीक है, रीच्ड का प्रयोग होगा क्योंकि व्हेन एज अ सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के पहले यदि टेंस पास्ट में है, तो व्हेन के बाद भी टेंस पास्ट में ही होता है, इसलिए सी हैड वन द मैच व्हेन वी रीच्ड द वेन्यू, तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में हमें बताना है कि व्हेयर इज कॉमा प्लेस्ड करेक्टली, यहाँ पे कहाँ पे कॉमा जो है करेक्टली प्लेस किया गया है, सही रूप से लिखा गया है, तो अगर हम देखें सी पार्ट, तो वेल कामा फिर लगा हुआ है, फिर द एंडिंग डिड सरप्राइज मी, तो यहाँ पे जो है सही रूप से कामा लगा हुआ है, ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में हम फिलिप करना है, मैनी पेरेंट्स वर एट द रेलवे स्टेशन टू सी डैश देयर चिल्ड्रेन, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43, तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब होगा सी के साथ ऑफ लगाएंगे ओ डबल एफ का, तो ये लगेगा, इसका फ्रेजल वर्ब का अर्थ होता है विदा करना, ठीक है, विदा करना, तो सी ऑफ, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। मेनी पेरेंट्स वर द रेलवे स्टेशन, बहुत सारे पेरेंट्स जो थे रेलवे स्टेशन पर टू सी ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों को विदा करने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच बताना है, मतलब कि ये अलंकार बताना, ठीक है, यहाँ पे फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है हाइपरबोल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इसमें क्या है, सॉरी, इसमें हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन, ठीक है, ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा आंसर इसका, जो है ए पार्ट करेक्ट है, ऑक्सीमोरॉन इसका सही है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 44 में, तो ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपरेंटली कंट्राडिक्टरी टर्म्स इन कंजंक्शन, ठीक है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ इन द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकल इरर, कहाँ पर किया गया है? पेंटेनियम सॉरी प्लेटिनम, प्लेटिनम इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल्स फाउंड ऑन अर्थ, यहाँ पे कहाँ पर गलती किया गया है बताना है। तो 45 का अगर देखते हो, एनी अदर मेटल्स जो लिखा हुआ, यहाँ गलती किया गया है क्योंकि मेटल्स का प्रयोग जो किया गया, एस नहीं लगाया गया जाता है यहाँ पे, यही गलती की गई। तो एस इसे यहाँ पे हटा के लगाया जाएगा, एनी अदर मेटल का प्रयोग होगा क्योंकि एनी अदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे मेटल से ना होकर मेटल होना चाहिए था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, ग्रामेटिकल एरर बताना है कहाँ पर है। वी रिजर्व टिकट फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर्स एंड मी, यहाँ कहाँ गलती किया गया है क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो लिखा हुआ ऑन, ठीक है, तो ऑन के स्थान पर यहाँ पे बाई होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ट्रेन ऑन ट्रेन जर्नी मतलब ट्रेन पर यात्रा, और बाई ट्रेन जर्नी मतलब ट्रेन के द्वारा से की गई यात्रा, मतलब ट्रेन के द्वारा यात्रा की गई या फिर ट्रेन से यात्रा की गई, तो इस तरीके से बाई यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो फॉर जो ऑन लिखा हुआ है, ऑन गलत है, तो आंसर ए पार्ट में गलती किया गया है, ये पार्ट कलर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में हमें गलती ही बताना है, अगर नो इरर है तो उसको चार नंबर पर चूज करना है। द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाई द साइकिल ऑफन वेडिंग थ्रो, ठीक है, पहला हो गया। इसके बाद स्वयं पास्ड थ्रो जंगल्स, दूसरा होगा इन ऑर्डर टू रीच द विलेजेस, तीसरा होगा नो इरर, चौथा दिया गया कहाँ गलती की गई। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 47 में देखते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस जो दूसरा दिया गया है, स्वयं आप पास थ्रू जंगल्स, यहाँ पे आप के स्थान पर होना चाहिए था एंड, ठीक है, आप के स्थान पर एंड होना चाहिए था, क्योंकि नाउन दो नाउन या क्लॉज को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो एंड का प्रयोग करते हैं, ना कि आप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे गलती किया गया दूसरे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, दिया गया सेंटेंस और इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। नीदर अमित नॉर राजू आर स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई, कहाँ पर गलती की गई। तो क्वेश्चन नंबर 48 में अगर हम देखते हैं, तो जो आर स्टेइंग लिखा हुआ है, ठीक है, आर स्टेइंग, यहीं पर गलती किया गया है, आर स्टेइंग की जगह इज होना चाहिए था, इज होना चाहिए था, क्योंकि प्रयोग यदि दो सब्जेक्ट इधर और आर या नीदर और नॉर के साथ जुड़े हों, तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होता है। बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ राजू है यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, तो इस तरीके से आर स्टेइंग गलत है, इज स्टेइंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची बताना है, क्वेस्ट का पर्यायवाची, क्वेस्ट मतलब होता है खोज, खोज या फिर तलाश, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा सर्च मतलब खोजना, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न में हमें बताना हो चीज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्रेज, जो आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 50, उसमें सबसे बेस्ट फ्रेज बताना, ईटिंग मड, ईटिंग मड का क्या अर्थ होता है, तो ईटिंग मड मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड ईटिंग मड के लिए अगर हम देखेंगे तो बी पार्ट सही है, ठीक है। लेमिवोरस, उसको हम क्या कहेंगे, लेमिवोरस, लेमिवोरस मतलब कीचड़ खाने वाला, ईटिंग मड मतलब कीचड़ खाने वाला, उसको हम एक शब्द में कहेंगे लेमिवोरस, ठीक है। इक्विवोरस मतलब, इक्विवोरस मतलब संतुलित, ठीक है, इक्विर मतलब संतुलित, और इसमें दिया गया है कैल्सियोरस, कैल्सियोरस मतलब चूर्ण काय खाने वाला, मतलब कैल्सियोरस मतलब कि कैल्सियम, एक तरीके से कह सकते हैं चूना खाने वाला, ठीक है, चूना खाने वाला, चूना खाने वाला, और फ्रक्टिवोरस, फ्रक्टिवोरस मतलब फल खाने वाला, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपके जीएस होंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन और बाकी हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन जीएस होंगे, फिर 25 क्वेश्चन लास्ट में मैथ के कराएंगे। चलिए, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में अपना पहला धर्म उपदेश कहां पर दिया था, तो क्वेश्चन 51 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ए पार्ट सही है, सारनाथ में इन्होंने जो है प्रथम उपदेश दिया था, जो प्रथम उपदेश जो बौद्ध धर्म में है उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सारनाथ जो कि अभी वाराणसी के पास पड़ता है, ऋषि पत्तनम अथवा सारनाथ का पुराना नाम ऋषि पत्तनम भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को निर्वासन के लिए कहाँ भेजा गया था, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, इजी है, सी पार्ट हो जाएगा, रंगून में भेजा गया था, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1862 में, 1857 को भेजा गया था और 1862 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च। दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो वर्ष 1930 में 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत किया गया था। तो बी पार्ट हो जाएगा 12 मार्च 1930। ठीक है, ये चला कब तक था? 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक, अगले महीने तक ये चला था। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय सैन्य दलों ने पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को जो है विमुक्त कराया था? तो ये हुआ था वर्ष 1961 में। ठीक है, आजादी के जो है आजादी 1947 में थी और 1961 में जो है पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को विमुक्त करवाया गया था। 1962 में जो है गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1942 में। ठीक है, 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव किया गया और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक के मैदान में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भू प्रॉपर्टी में प्रचुरता से पाया जाता है? तो भू प्रॉपर्टी में इसमें से अगर देखेंगे तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा अधिकता में पाई जाती है। तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम के बाद फिर लोहा सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, लोहा जो है सेकंड नंबर पर आता है, सर्वाधिक पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है भू प्रॉपर्टी पर एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाती है और भू प्रॉपर्टी पर सबसे कम मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, स्थल मंडल किससे बना हुआ? स्थल मंडल, स्थल मंडल की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रॉपर्टी और ठोस मेंटल से बना हुआ है सर्वोच्च। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से प्रदूषण का द्वितीयक महत्वपूर्ण कारक कौन सा? द्वितीयक महत्वपूर्ण कारक इनमें से बताना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया, धूम कोहरा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आंसर क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, धूम कोहरा। प्रदूषण का द्वितीयक जो सेकेंडरी महत्वपूर्ण जो कारक धूम कोहरा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं ये प्राथमिक मतलब प्राइमरी प्रदूषक के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, प्रदूषक जो होते हैं दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक प्रदूषण, जिसमें सीधे ही पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना हो जाता है। ठीक है, और दूसरा आता है द्वितीयक प्रदूषक, जिसमें प्राथमिक प्रदूषण और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के बीच अपक्रिया के उत्पाद जो बना प्रदूषक होता है द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि ओजोन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो है हो गया। ठीक है, पेराक्सीटिल नाइट्रेट यानी कि पैन जिसको कहते हैं वो हो गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया, द्वितीयक प्रदूषण में धूम कोहरा भी आता है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण परतंत्रीय अनुक्रमण का विचार पहली बार किसने प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया गया था पहली बार फ्रेडरिक क्लेमेंटस के द्वारा। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किसमें नहीं पाया जाता? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं रूस में नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण लगभग 28 डिग्री के आसपास ही फैला हुआ है। अब इसमें एशिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका हो गया, मध्य अमेरिका हो गया, मैक्सिको, प्रशांत द्वीप पर अधिकतर होता है। ठीक है, अमेजन वर्षा वन जो है दुनिया का सबसे विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो कि दक्षिणी अमेरिका में, लेकिन रूस जो है वो उत्तरी पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश पर मतलब उत्तरी ध्रुव के पास में हुआ है, तो वहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? तो 10वीं सूची की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है ये, दल बदल के आधार के निष्कासन से संबंधित प्रावधानों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह अनुसूची पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन इसके लिए हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है इसको जोड़ा गया था, तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं है को केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में इनमें से कितनी अवधि से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये बताना है। तो इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको मात्र 6 महीने की अधिक समय के लिए जो है नियुक्त नहीं करते, तो 6 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा उसको नियुक्त नहीं किया जा सकता, उसके बाद जो है इसे सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लेनी होगी 6 महीने के भीतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, एन संजीव रेड्डी इसको कहते हैं, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सलाइवा धारण करता है, सलाइवा क्या धारण करता है, सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में पाया जाता है एमाइलेज। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, सलाइवा में एमाइलेज पाया जाता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को रासायनिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जानते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, इसको कहते हैं, इसका फार्मूला है डी पार्ट से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, NaHCO3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, सीलबंद बैग में भंडारण के दौरान आलू के चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए चिप्स निर्माता किसकी उपस्थिति में पैकेट को सील करते हैं। तो जो मतलब बेसिकली सील बंद जो बैग है, मतलब कि चिप्स के अंतर अंदर जो है कौन सा गैस भरा हुआ होता है, तो अंदर उसका होता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन की उपस्थिति में पैकेट को सील किया जाता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संगठन विपणन सहकारी क्षेत्र में कौन सा है। तो विपणन सहकारी क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो वो बी पार्ट हो जाएगा नेफेड। नेफेड का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल नेशनल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव मार्केटिंग मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये इसका फार्मूला बनता है, और ये इसकी स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को, 1958 को इसकी स्थापना की गई थी, तो ये याद रखें, नेफेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलेरी कल्चर शब्द का उल्लेख, ओलेरी कल्चर का मतलब क्या है, तो ओलेरी कल्चर का मतलब होता है 68 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर, तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका फुल फॉर्म है। ठीक है, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 69, 69 का आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म बनता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में कोई संचिका या फोल्डर ढूंढने के लिए जो है किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन से शॉर्टकट का प्रयोग कर रहे हैं फोल्डर को या फोल्डर या फाइल को ढूंढने के लिए किया जाता है, तो वो होता है F3। F3 से हम जो है फोल्डर या फाइल को ढूंढते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति नहीं है इनमें से। तो यहाँ गोंड उत्तर प्रदेश पाए जाते, थारू भी पाए जाते, भील भी, तंग खुल जो दिया गया है, ये जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये जनजात जो है मणिपुर राज्य में मिलती है, तो यही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के तहत उत्तर प्रदेश की कुल लिंग अनुपात कितना है, तो उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो वो है 912, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट 912। ठीक है, भारत का कितना है, तो भारत का हो जाएगा 943, 943 से पर 1000 पर। अगला प्रश्न है, 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया, मतलब रेमल नाम जो है किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ओमान के द्वारा यह नाम दिया गया था, सी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, ओमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, मई 2024 में ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन जो किया गया ये नई दिल्ली में किया गया है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, मई 2024 में असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था असम के गुवाहाटी में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मतलब केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया था, जो कि असम सरकार के सहयोग से ये चीजें हुई थी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76, जो कि आपकी मैथ से, तो चलिए मैथ के क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है जो आपको करना है, आप इसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसका मान निकालना है, मान निकालिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर मतलब इसका जो है ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। ठीक है, इसमें से 11 से विभाजित संख्या कौन सी है ये बताना है। आप देखिए 76 में 11 से विभाजित के नियम क्या है कि अल्टरनेट संख्या को जोड़िए, फिर दोनों को क्या करिए, डिवाइड करिए, सॉरी माइनस करिए, और माइनस करने से जो संख्या आपको प्राप्त हो वो संख्या अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो मतलब वो जो पूरी संख्या है वो आपकी डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए ऑप्शन अगर हम ए लेते हैं, ए में दिया गया है 5, 9, 6, 0, 9,
यहाँ पे अगर हम अल्टरनेट देखते हैं तो 5, 6 और 9 इसको हम जोड़ेंगे एक साथ, ठीक है, 5, 6, 9 को, और इस तरीके से इधर चला जाएगा अल्टरनेट, तो उधर 0 और 9 को जोड़ेंगे, तो 5 प्लस 6 प्लस 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस करेंगे 9 प्लस 0, ठीक है, इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9, 6, 15, 5, 20, माइनस 9 हो जाएगा, 20 में से 9 जाएगा तो 11। अब इस 11 को हम जो आएगा अगर 11 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है पूर्णतः, तो इसका मतलब कि ये संख्या जो दिया गया है ये क्या हो जाएगी, हमारी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी 11 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम 11 की विभाजिता के नियम से इसको लगा लेंगे और आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा कौन सा, ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है कि 4 की पावर 6 गुणे 15 की पावर 10 के गुणनफल में कितने शून्य है, मतलब इसके जब गुणनफल जो आएगा वो इसके में गुणनफल में कितने जीरो आएंगे ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 4 की पावर 6 में अगर 2 की संख्या की बात करेंगे तो देखिए 2 × 2 4 को लिख सकते हैं कि पावर 6, मतलब कि 2 की पावर 6 × 2 की पावर 6 मतलब कि 2 की संख्या हो जाएगी इसमें टोटल 12, ठीक है, 2 की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 15 की पावर 10 में हम 5 की संख्या अगर हम देखते हैं, 15 की पावर 10 में अगर हम 5 की संख्या देखें, 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 की पावर 10 लिखते हैं, मतलब कि 5 की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, 5 की पावर 10 मतलब 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में हम 2 और 5 का अगर एक जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बनकर क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बनकर ये बन जाएगा, एक शून्य बनाता है, ठीक है, एक क्या बनता है, शून्य बनाता है, 2 और 5 को गुणा करेंगे तो एक शून्य बनाएगा। तो इस प्रकार हम 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, तो 2 और 5 के हमारे पास 10 जोड़े हैं, ठीक है, क्योंकि 5 की संख्या 10 है, 2 की संख्या 12, तो दोनों मिलाएंगे को तो टोटल जोड़े जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 जोड़े आएंगे टोटल 5 और 2 के। तो इस तरीके से इनको अगर हम जोड़े गुणा करेंगे तो 5 × 10 मतलब कि 10 शून्य हमें प्राप्त होगा, ठीक है, तो टोटल कितने हमें शून्य प्राप्त होंगे, 10 शून्य प्राप्त होंगे, तो आंसर इसमें हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा ए पार्ट 10 शून्य, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट 10 शून्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6 और 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 बचता है। तो जब छोटी से छोटी संख्या पूछती है तो जो संख्या दिया जाता है उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम, ठीक है, उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम 6 और 7 का क्या हो जाएगा, 6 और 7 का हो जाएगा 42, 42 का एलसीएम लेंगे और इसके बाद शेषफल 1 बचता है, वो छोटी से छोटी संख्या में बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो शेषफल बचता है उसको हम जो कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये जाएगा 43, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 43 हो जाएगी, ठीक है। अब 43 को आप 6 से डिवाइड करिए तब भी 1 बचेगा, 7 से डिवाइड करिए तब भी 1 बचेगा, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 43, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका हमें मान ज्ञात करना है, इसको भी भाग गुणा जोड़ घटाव करना है, तो आप लोग करिएगा, इसका हमें क्वेश्चन का 80 का भी आंसर बताइएगा ऑप्शन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 81 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया गया है, एल एम तथा एन का औसत वजन जो है 93 kg है, यदि एल और एम का औसत वजन 89 किलोग्राम और एम तथा एन का औसत वजन 96.5 किलोग्राम है, तो एम का वजन कितना होगा ये बताना। देखिए एम एल एम और एन का कुल वजन अगर हम निकालें, औसत तो दिया गया है, तो कुल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 लोग हैं तो 3 से गुणा कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा 279 kg। अब इसके बाद दिया गया है कि एल और एम का कुल वजन, औसत वजन दिया गया है, तो इसका कुल वजन अगर हम निकालेंगे एल और एम का, तो एल एम का दिया गया है 89 किलोग्राम, तो 2 लोग हैं तो 89 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो टोटल हमें निकल के आ जाएगा 178 kg, ठीक है। इसी प्रकार दिया गया है एम और एन का औसत वजन दिया गया, तो इसका भी हम कुल वजन निकाल लेंगे, कुल वजन कितना दिया गया है 96.5, 2 लोग हैं 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा 193.0 kg, ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा। अब हमें निकालना है एम का, हमें निकालना है एम का, ठीक है, एम का हमें निकालना है कुल वजन, एम का वजन कितना हो जाएगा, तो देखिए 178 आया है प्लस 193, इसको हम जोड़ लेते हैं
और जो टोटल वजन है 279 उसमें हम घटा देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 178 प्लस 193, तो इसको जोड़ते हैं तो 8 3 11 916 117 1 1 2 1 3 171 -279। ठीक है, यहाँ इसको अगर हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 92 kg, तो ये हो जाएगा एम का भार, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 92 kg, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। नंबर क्वेश्चन दिया गया कि यदि उन विद्यार्थियों की संख्या का पता लगाएं जिन्होंने परीक्षा दी थी, यदि उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले और असफल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 10:3। ठीक है, उत्तीर्ण और असफल मतलब कि पास और फेल होने वाले जो विद्यार्थियों का अनुपात है वो 10:3 है। इसके बाद कह रहा है यदि 40 अन्य विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होती और 10 कम छात्र विफल होते, तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और असफल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात जो होता वो 5:1 होता। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है जिन्होंने परीक्षा दी थी। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि परीक्षा में उत्तीर्ण और असफल होने वाले विद्यार्थी जो हैं, मतलब कि पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 10x और फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 3x, ये मान लेते हैं ये विद्यार्थी हो गए, तो टोटल कुल विद्यार्थी कितने हो गए, कुल विद्यार्थी 10x प्लस 3x बराबर हो जाएंगे 13x, मतलब 13x हो जाएगा। अब यदि 40 अन्य विद्यार्थी ने परीक्षा और दिया होता ये कह रहा है ऑप्शन क्वेश्चन में, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाते, तब कुल हो जाते 13x प्लस 40 विद्यार्थी हो जाते। ठीक है, तो अब असफल विद्यार्थी कितने होते, असफल कुल विद्यार्थी कितने हो जाते, तो असफल विद्यार्थी हमारे पास 3x है, तो 3x माइनस 10 कम विफल होते हैं, तो 10 ये क्वेश्चन में दे 3x माइनस 10 हो जाता है। तो इस प्रकार अब कह रहा है कि 13x प्लस 40 मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या बटे असफल विद्यार्थियों की संख्या ये बराबर है 6:1 के, ये क्या है 6:1 के है। ठीक है, 6:1 के है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे सॉल्व। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 13x प्लस 40 बराबर 6 3 18x माइनस 60। इधर उधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5x बराबर 100। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 20 यानी कि 20। तब कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो हमने कितना माना था 13x, तो 13 × 20 करें अगर, 13 × 26 260, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 260 हो जाएगी। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 260, जो कि डी पार्ट में दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33.3% है, कितना कम होगा। तो चलिए ये दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, मतलब कि अगर हम 60 - 20% कर देते हैं तो ये इसी किसके बराबर है, तो ये है 120 के। ठीक है, 60 - 20 मतलब 40%, 40% बराबर हो जाएगा 120 के, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इसके बाद 100% यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 120/40 × 100, यहाँ से सॉल्व करेंगे 4 3 12, तो ये हो जाएगा 300, तो 100% 300, मतलब वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या है 300। अब कह रहा है कि तो संख्या का 28% और उसी संख्या के 33.1% से कितना कम हो, मतलब कि 300 का 33.1% मतलब कि 1/3 हो जाएगा, माइनस 300 का ही 28% घटा देंगे, अंतर ही पूछा गया है, 28/100 कर देंगे तो कितना कम होगा, तो इसको हम घटा देंगे दोनों को, तो हमारा मान निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, 3 से 100 बार जाएगा, और यहाँ पे अगर कैसे करते हैं 2 0 2 0 से कर जाएगा, और 28 × 3 हो जाता है 84, 100 - 84 बराबर हो जाएगा आपका 16, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 16, जो कि दिया गया है ए पार्ट, 16 कम होगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं।
84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% कम किया जाता है। यदि अंतिम मान 2040 है, 2040 है, तो संख्या का प्रारंभिक मान कितना था, यह हमें बताना है। ठीक है, अब किसी संख्या को जो है, कोई संख्या पहले 20% बढ़ाया गया, तो मान लेते हैं वो संख्या कौन सी है। तो पहले मान लेते हैं वो संख्या हमारी एक्स है। ठीक है, अब इसी संख्या का एक्स का 120% बढ़ाया गया, फिर इसमें क्या किया गया, इसे 120% बढ़ाया, फिर 15% कम कर दिया गया, मतलब 85% हो गया, 85 × 200। और ये बराबर है, ये बराबर किसके है, ये बराबर जो है 2040 के। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर क्या जाएगा, एक्स इंटू 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, यहाँ से कट जाएगा, 17 बार जाएगा या 20 बार, तो 17/20 हो जाएगा, बराबर 2040 के हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स इंटू 6/5 इंटू ये 17 से अगर हम काटते हैं तो हो जाएगा 17 कम 17 3, 17 × 2 = 34, ये हो जाएगा 1/20, ये इधर आ जाएगा 120। ठीक है, फिर ये 6 से 2 बार गया जाएगा, 20 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 20 × 20 × 5। ये इसको अगर हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 400 × 5 × 4 = 20 = 2000। तो x की मान आ जाएगा हमें 2000। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000 आ जाएगी, हमारा यही आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, प्रारंभिक मान जो था वो 2000 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। दिया गया है कि जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह पूछा गया है। तो 25% का लाभ होता है। ठीक है, 25% का लाभ होता है, मतलब कि 25/100 करेंगे तो 8400 हो जाएगा, 1/4, मतलब कि 4 रुपये की कोई वस्तु, तो उसको 5 रुपये एमआरपी पर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको 25% का लाभ होगा, 1 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा एमआरपी और ये हो जाएगा इसका सीपी, मतलब कि खरीद प्राइस। अब इसके बाद ये कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 9.6%, मतलब कि 9.6/100, मतलब कि 96/1000 ये हो जाएगा। ठीक है, जीरो हटेगा, तो इसको अगर हम काटें के तो किससे कटेगा, 4 से काटते हैं तो ये 24 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 250 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसके बाद हम इसको फिर काटते हैं, 2 से काटते हैं, 12 बार जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 5 12/25 आ जाता है। तो 9.6% हो जाएगा 12/125, मतलब कि कोई वस्तु 125 है, उस पर छूट दे दिया गया 12 रुपये का, तो वो वस्तु कितने में जो जाएगी, तो वह वस्तु हो जाएगी 113 रुपये की। ठीक है, 113 रुपये की, 113 रुपये की, और ये है एमआरपी 125 रुपये एमआरपी है, उसको 130 रुपये में बेचा जा रहा है छूट देकर 9.6%, तो उसको कितने में बेचा जाएगा, 113 रुपये में। अब यहाँ पे एमआरपी देखते हैं कितना है, 5 और सीपी है 4, तो हम क्या करेंगे कि एमआरपी जो होगा वो सेम होगा, तो हम इसको सेम कर लेंगे। तो यहाँ अगर हम 25 से गुणा कर देते हैं, यहाँ हम अगर 25 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो इधर भी हम 25 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100, और ये हो जाएगा 125। अब हमारी एमआरपी हो गई सेम, 100 और 125, तो 100 रुपये पर अगर हम देखते हैं तो उसको बेचा कितने जाता है, 113 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, 113 रुपये में बेचा जाता है, 100 रुपये की वस्तु है, 113 रुपये में बेचा जाता है 9.6% छूट देने के बाद, तो हमें लाभ कितना हो जाता है, 13 रुपये का, 13 रुपये का लाभ होता है 100 रुपये पर। तो इस तरीके से इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 13% आ जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा हमारा, 13% आ जाएगा। ठीक है, लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, जब हम 9.6% की छूट देंगे तो उसको हम कितने में बेचेंगे, 113 रुपये में बेचेंगे, और हमारा जो खरीद रेट था उस वस्तु का 100 रुपये था, तो 100 रुपये की वस्तु 113 में बेच रहे हैं तो 13% का लाभ हो रहा है इस तरीके से डायरेक्ट। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। दिया गया एक छाते का अंकित मूल्य 150 रुपये है, इसे 138 रुपये में बेचा जाता है, छाते पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई ये बताना है। ठीक है, तो अंकित मूल्य 150 है और छूट जो दिया गया, छूट कितना है, छूट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 150 - 138, तो 12 रुपये की हमें छूट दी गई, 12 रुपये की छूट दी गई कितने पर, 150 पर, तो 12 रुपये की छूट 150 पर दिया गया,
इसको हम भाग कर देंगे इन 200 कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, 5 3 15, 5 2 10, 3 4 12, 4 2 8, 8% की छूट दिया गया। आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट, 8%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया, क्या 8 माह की अवधि के लिए 18 सही 2/3% वार्षिक ब्याज दर से 74,000 रुपये का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या फार्मूला होता है, PRT/100। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देंगे फार्मूला इसी को, और यहाँ साधारण ब्याज 74,000 रुपये मूलधन है, 74,000 रुपये हो जाएगा, इंटू रेट कमाना है 18 सही 2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56/3, 18 सही 2/3 कितना हो जाएगा, 56/3 गुणे 100, और वर्ष जो दिया गया वो कितना दिया गया, 8 माह, तो ये हो जाएगा 8/12 महीना कर देंगे। ठीक है, 8 में अगर 12 डिवाइड करेंगे तो साल में बदल जाएगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कर लेंगे सॉल्व, 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, और ठीक है किससे कटेगा, 4 से काटें, 4 2 8, 4 3 12, तो ये आ जाएगा वैल्यू 74, मतलब 740 गुड़े 2 गुड़े 56/9। इसको आप सॉल्व करिएगा, गुणा भाग करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 9,208.88 रुपये, 9,208.88 रुपये, जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन में बी पार्ट। तो यही निकालना था साधारण ब्याज, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। अट्ठासी नंबर क्वेश्चन दिया गया कि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, तो राशि समतुल्य कितना, 5% मतलब 5/100, यानी कि 5 × 10 1/20 हो जाएगा। अब मान लेते हैं मूलधन है जो 20 × 20 है, ठीक है, यानी कि 400 है। अब इस पर एक साल का जो वार्षिक ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1/20 से गुणा करेंगे तो 20 रुपये आ जाएगा। दूसरे साल इस पर 1/20 फिर ब्याज लगेगा तो हो जाएगा 20 रुपये। ठीक है, अब इस पर अगले दूसरे साल जो है 1/20 चक्र, चूंकि चक्रवृद्धि, इसलिए 1/20 रेट इस पर फिर लगेगा, तो हो जाएगा 1 रुपये आ जाएगा ब्याज। तो टोटल ब्याज कितना आ जाएगा, 20 + 20 + 1, मतलब कि 41 रेशियो आ गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, तो 41 रेशियो के बराबर के दिया गया है 328 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, चूंकि टोटल दिया गया है, तो 1 रेशियो के हो जाएगा, इसको 41 करेंगे तो यह जाएगा 8 बार, तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 8। अब 1 रेशियो का मान आ गया 8, हमें निकालना है मूलधन, तो राश जो है वो कितनी होगी, तो हमने राश कितना माना है, 400, 400 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 400 × 8, 8 × 3 3200, तो हमारा जो मूलधन होगा वो 3200 रुपये हो जाएगा। 3200 रुपये पे जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 328 रुपये आएगा। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 ये दिया गया है, ए बी और सी ने 2:3:5 में जो है पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया है, 89 क्वेश्चन है। अब इसमें हमें बताना क्या है, व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 50% बढ़ा दिया, और बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी का 33 सही 1/3% बढ़ा देता है, सी जो है वो 8 महीने बाद अपनी पूंजी का 50% निकाल देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,800 हुआ हो, तो लाभ में ए और सी के हिस्सों का अंतर बताना है यहाँ पे बेसिकली। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए का निवेश जो है कितना है, 200 रुपये, 2:3:5 में है, तो 200 रुपये ए ने निवेश किया, बी ने 300 रुपये, और सी ने निवेश किया 500 रुपये, ये हम मान लेते हैं इनके अनुपात के अनुसार। तो इनके लाभांश का अनुपात क्या हो जाएगा, लाभांश का अनुपात, इनके लाभांश का अनुपात अगर हम निकालते हैं तो ए के लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 200 रुपये इसने लगाया है 12 महीने के लिए लगाया है, ठीक है, प्लस इसने क्या किया, अपनी पूंजी का इसने 50% बढ़ा दिया, कितने, 4 महीने के बाद, मतलब कि 8 महीने के लिए इसने 200 का 50% और लगाया, मतलब 200 का 50% मैंने 100 रुपये, तो 100 का इसने 50% और लगाया, मतलब मतलब वही 200 का 50% मतलब 100 रुपये और 8 महीने के लगा दिया, तो ये हो गया लाभांश ए का। इसी तरीके से बी के अगर हम देखें तो बी ने लगाया 300 रुपये टोटल 12 महीने के, लेकिन इसने भी क्या किया, बी ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी 33 सही 3% बढ़ा देता है, तो 300 का 33 सही 3% कितना हो जाएगा, मतलब कि 300 का 1/3 मतलब कि 100 रुपये,
100 रुपये बढ़ा देता है, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए और ये बढ़ा देगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब बचता है सी। सी क्या करता है कि सी लगाता है 500 रुपये, सी का निवेश 500 रुपये करता है टोटल 8 महीने के लिए, और इसके बाद 8 महीने बाद वो अपनी 50% पूंजी निकाल लेता है, मतलब कि बाकी 4 महीने वो सिर्फ 250 रुपये ही लगाता है, तो इस तरीके से इसका लाभांश हो जाएगा। अब हम इसको कर लेंगे गुणा भाग, तो 200 × 12 = 2400 और 100 × 800 मतलब 800, तो 2400 और 8 3200 हो जाएगा लाभांश। इसी प्रकार बी देखते हैं, तो 12 × 3600 + 600 तो 3600 = 4200। ठीक है, इसी प्रकार सी का 8 × 45 ठीक है, 4000 + 250 2400 1000, तो इस तरीके से हो जाएगा 5000 रुपये। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, तो 200 × 200 × 200 कट जाएगा, या आपका बचेगा कितना, दो अगर हम काटते हैं 2 16 32, 2 × 2 = 4 2 1 = 2 2 = 25 ठीक है, 16:21:25 ये आपका हो जाएगा लाभांश ए और बी और सी का। तो ये टोटल यूनिट कितनी आ जाएगी, 16 + 21 + 25 इनको जोड़ेंगे तो 62 रेशियो आ जाएगी। ठीक है, 62 रेशियो के दिया गया है 86800 का इनका टोटल लाभ। तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1400 रुपये। ठीक है, 1 रेशियो का मान 1400 रुपये। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि लाभ में ए और सी के हिस्सों का अंतर, तो ए और सी, ए माइनस सी हमें निकालना है, ए माइनस सी कितना हो जाएगा 16 और 25, 16 25 मतलब 25 − 16 रेशियो, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा 9 रेशियो, 9 रेशियो, 1 रेशियो का मान 1400, तो 9 रेशियो का मान, तो 9 × 1400 इनको अगर हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12600 रुपये, और यही हमें निकालना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, निकालना था, तो आंसर हो जाएगा 12600 रुपये, आंसर क्या हो जाएगा 12600 रुपये। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है कि दूध और पानी के मिश्रण 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन में दूध और पानी, मिल्क और वाटर का अनुपात है 5:2, इनका टोटल है 56 लीटर, ये टोटल कितना है 56 लीटर। पानी, दूध और पानी के अनुपात को अगर 7:2 करना है तो इस मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाना है। ठीक है, तो दूध मिलाया जाना है, नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा पूछा गया। तो देखिए, पानी में कोई छेड़खानी नहीं किया गया, तो पानी का वैल्यू जो है सेम रखते हैं, दो दो है दो रखते हैं, तो कितना हमने मिलाया इधर, तो 2 रेशियो मिला दिया। ठीक है, 5 − 7 मतलब 7 − 5, तो 2 रेशियो हम मिला देते हैं यहाँ पे, तो ये 7:2 हो जाएगा। टोटल जो हमारा है वो कितना है 7 5 2 7, तो 7 रेशियो के दिया गया 56, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 7/56 8 आ जाएगा, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16 लीटर, तो 16 लीटर उसमें हम दूध मिला देंगे तो वो हो जाएगा, उसका अनुपात जो है कितना हो जाएगा 7:2 हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, तो पहले मिश्रण में 16 लीटर तो बाद में मिलाते हैं, पहले मिश्रण में कितनी दूध थी, तो 5 रेशियो था, तो 5 × 8 करेंगे तो 40 लीटर दूध जो था वो पहले वाले मिश्रण में था। ठीक है, दूध की मात्रा 40 लीटर पहले से था, प्लस इसमें 16 लीटर और बाद में मिलाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 40 × 50 = 56, तो 56 लीटर टोटल नए मिश्रण में हमारा दूध हो जाएगा, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका 56 लीटर, जो कि दिया गया है डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। चलिए, 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 2 गुना काम करती है, और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है, तो कितनी महिलाएं अकेले ही काम को 7 दिनों में पूरा कर सकेंगी। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो दिया गया है कि एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 2 गुना काम करती है, यानी कि ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 2 गुना काम करती है, मतलब कि एक वुमेन बराबर है 2 मैन के, यानी कि एक मैन बराबर हो जाएगा 1/2 वुमेन के। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है, और इसी प्रकार कह रहा है कि एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है, मतलब कि एक बॉय जो होता है वो आधा काम करता है, तो 1/2
1/2 m, तो 1/2 m बराबर अगर हम ओमेन के करेंगे तो 1/4 ओमेन हो जाएगा, क्योंकि एक मैन के बराबर आधा ओमेन है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन जो पहला लाइन दिया गया वो दिया गया तीन पुरुष मतलब तीन मैन प्लस चार महिला चार ओमेन प्लस छह लड़के मतलब छह बॉय, ये मिलकर किसी काम को करते हैं कितने दिनों में, 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो इसको अगर हम टोटल सभी को हम किस में बदलेंगे, ओमेन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो महिलाओं कितनी महिलाएं अकेले ही उस दिन को 7 दिनों में पूरा करेंगी, इसीलिए हम इसको ओमेन में कन्वर्ट करेंगे। तो तीन पुरुष बराबर कितनी महिला, तो एक एक महिला बराबर जो है तीन महिला पूछा, हाँ तीन पुरुष बराबर कितनी महिला का, तो एक पुरुष बराबर आधा महिला का, तो तीन पुरुष बराबर कितना हो जाएगा 3/2 महिला के, प्लस चार ओमन दिया गया 4 ओमेन हो जाएगा, प्लस बॉयज को अगर कन्वर्ट तो एक बॉयज बराबर है 4 1/4 ओमन के, तो 6 बॉयज कितना हो जाएगा 3/2 ओमन के, टोटल कितनी ओमन हो जाएंगी, तो 7 ओमन हो जाएंगी। ठीक है, इनको जोड़िएगा तो 7 ओमन आ जाएगा, 7 ओमन टोटल हो गई। अब मान लेते हैं कि एक्स महिलाएं उस काम को 7 दिनों में पूरा करती हैं। ठीक है, पूरा करती हैं ये मान लेते हैं, 7 दिनों में पूछा गया है, तो फार्मूला लगाएंगे W1D1 बराबर W2D2 के, ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से W1 मतलब कि वुमेन का मान 7 है, D1 मतलब 5 दिन में ये पूरा कर देती हैं, 7 ओमन मिलकर 5 दिन में पूरा कर देती हैं काम। W2 मतलब हमें एक्स महिलाएं काम करती हैं 7 दिनों में, तो एक्स का मान हमें निकालना, तो एक्स गुणा 7 करेंगे, 7 दिनों में निकालना, इसलिए 7 हम इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 5 ओमन। ठीक है, तो कितनी महिलाएं जो है वो 7 दिन में पूरा कर देंगी, तो 5 महिलाएं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 5 महिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, नंबर दिया गया है कि एक कार समान गति के साथ 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा के लिए लगने वाले घंटों की संख्या किलोमीटर प्रति घंटा में, गति का प्रतिनिधित्व करने वाले संख्या का 2/3 है, दूरी तय करने में लगने वाला समय बताना है। तो यहाँ पे समय जो दिया गया है, समय बराबर क्या दिया गया, समय बराबर दिया गया है 2/3 × चाल के। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ समय और चाल का अनुपात अगर हम निकालें, समय और चाल का अनुपात अगर निकालेंगे तो समय अनुपात चाल बराबर क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखते हैं तो समय और चाल का अनुपात 2:3 दिया गया है, तो यहाँ से हम दूरी निकाल लेते हैं, तो 3x मान लेते हैं, तो 3x × 2x बराबर के हो जाएगा 600 के, दूरी कितना दिया गया है 600 किलोमीटर दिया गया है। तो इस तरीके से वैल्यू 3 × 6 x² = 600, तो x² बराबर हो जाएगा 100, तो x बराबर माना जाएगा 10, x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल दूरी तय करने में लगा समय जो कुल दूरी तय करने में, तो हमें लगा है 2x, तो 2x मतलब 2 × 10 बराबर 10 × 20 घंटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि पूछा गया था कि कितना समय लगेगा दूरी तय करने में, तो 20 घंटा लगेगा, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी तय करती है, जबकि विपरीत दिशा में यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है, तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की औसत चाल पर समान दूरी तय करती है, तो 525 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, चलिए पहली ट्रेन की औसत चाल बराबर दिया गया है हमें दूसरी ट्रेन की चाल के, तो पहली ट्रेन की औसत चाल कितना हो जाएगा 2xy, 126 × 90/126 + 90, इसको अगर हम निकालते हैं गुणा भाग करके तो ये आ जाता है 105 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन की चाल आ जाएगी जो कि पहली ट्रेन की औसत चाल है। अब दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना लगेगा, तो 525 किलोमीटर है,
चाल उसकी कितनी है, 105 किलोमीटर। डिवाइड कर देंगे तो 5 घंटे का समय वो लेगी, ठीक है, 5 घंटे का समय लेगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 घंटे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए 94 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है। यदि कोई नाव की धारा विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और धारा की दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में धारा प्रवाह की चाल ज्ञात करना। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी ये बताना। धारा की दिशा में नाव की चाल अगर हम निकालते हैं तो दिया गया 42 किलोमीटर की दूरी जाती है 6 घंटे में, तो ये हो जाएगा 6 × 7 = 42, 7 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी धारा की दिशा में। और अगर हम विपरीत चाल निकालें, ठीक है, विपरीत धारा की विपरीत दिशा में चाल नाव की चाल कितनी हुई, तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है 5 घंटे में, मतलब कि उसकी जो स्पीड आ जाती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाती है। तो इस तरीके से अगर धारा प्रवाह की चाल निकालना, हमें धारा प्रवाह की चाल निकालना है, धारा प्रवाह की चाल कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की चालों को 7 - 3 कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, 7 - 3 = 4/2, 7 - 3 = 4/2, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी धारा प्रवाह की चाल, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो कि हमारा दिया गया सी पार्ट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। दिया गया है रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, रवि की आयु उसकी सूर्य रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है, आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। तो मान लेते हैं सूर्य की आयु एक्स वर्ष, ठीक है, तो रवि की आयु क्या हो जाएगी, रवि की आयु हो जाएगी एक्स माइनस 12 वर्ष, क्योंकि 12 वर्ष 12 साल छोटा है। तो प्रश्न के अनुसार अगर देखते हैं तो एस माइनस 12 ये बराबर दिया गया है रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु का योग का 40%, मतलब कि एक्स प्लस एक्स माइनस 12 का 40%, तो 40/100 कर देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 × 4 = 2, 5 = 10, यहाँ पे 5 से इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5x + -12 = 60, ये इधर जाएगा 2x, 2 × 4x माइनस 12 × 24 आ जाएगा। यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 5x - 4x बराबर हो जाएगा 60 - 24, ये हो जाएगा x 60 - 24 मतलब 36, तो x बराबर 36 साल। तो 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु पूछा गया है, ठीक है, 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी, तो अभी तो 36 है तो प्लस 9 हो जाएगा, 36 और 9 मतलब 45 वर्ष, 45 वर्ष हो जाएगी 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु 45 वर्ष, तो आंसर डी ऑप्शन राइट है, ठीक है, आंसर क्या है, डी ऑप्शन राइट है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पाई चार्ट दिया गया, इसका अध्ययन करना है। और 2016 में कंपनी के 5 उत्पाद हैं ए बी सी डी और ई के बिक्री को जो है विवरण को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसको चलिए हम लगा देते हैं, पहले पाई चार्ट ही बना देते हैं इस तरीके से, मान लीजिए कोई है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ये है ए, ए का मान है 50 एंगल, ये है बी, बी का मान है 35 एंगल, सी का मान है 120 एंगल, डी का मान है 100 एंगल, और दिया गया है ई, ई का मान दिया गया है 55 एंगल, तो इस तरीके से ये मान दिया गया, ठीक है। अब इसमें पूछा गया बिक्री का विवरण हो गया, पूछा क्या गया है, पूछा गया है यहाँ देखते हैं ऑप्शन में, पूछा गया कि यदि 2016 में यदि कुल 14,616 यूनिटें बेची गई तो उत्पाद डी की यूनिटें कितनी बेची गई, उत्पाद डी के बारे में पूछा गया है, ठीक है, उत्पाद डी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 360 डिग्री मतलब पूरा इसका जो एंगल है वो कुल यूनिट बनता है, और कुल यूनिट के बराबर दिया गया है 14,616 यूनिट, तो 1 डिग्री का अगर हम मान निकालते हैं तो क्या माना जाएगा, 14,616/360। डी का मान पूछा, डी का 100 डिग्री है तो 100 डिग्री हम निकालेंगे, 14,616/360 × 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4060, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा जो कि पूछा गया था, तो 4060 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है मान साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे मान निकालेंगे? तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री ऐसे रखते हैं, साइन स्क्वायर 70 डिग्री जो दिया गया इसको हम बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे? इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 डिग्री, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। माइनस टैन स्क्वायर, टैन 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेक 60 का मान 2 होता तो 2 लिख देंगे। फिर ये देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री ये मान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1 प्लस 2, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो मान आ जाएगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फाइनली 2 हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। दिया गया समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 19 के और दिया गया 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 के। ये ग्राफों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है P है और उसका मान है अल्फा कामा बीटा। तो हमें मान निकालना अल्फा माइनस बीटा है और हमें इसका मान निकालना है, अल्फा कामा ही बीटा है क्योंकि इंग्लिश में अल्फा कामा बीटा दिया गया तो अल्फा कामा बीटा ही होगा, जो कि हिंदी में गलत दिया गया, ठीक है, यहाँ पे कामा होना चाहिए। तो हमें मान क्या निकालना है, हमें मान निकालना है 3 अल्फा माइनस बीटा का, 3 अल्फा माइनस बीटा का हमें मान निकालना है। क्या करेंगे, जो अल्फा कामा बीटा दिया गया इनके प्रतिच्छेद करते हैं तो ये दोनों बिंदु इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु इसलिए। तो इस इन दोनों को एक्स और वाई की जगह पे मान को अगर हम रखते हैं तो क्या मान निकल के आएगा, ये जगह 3 अल्फा माइनस 5 बीटा बराबर हो जाएगा ये 19 के, और दूसरा आ जाएगा 3 बीटा माइनस 7 अल्फा बराबर ही हो जाएगा माइनस 1 के, ठीक है, ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। इन दोनों को हम कर लेंगे सॉल्व और सॉल्व करके यहाँ से अल्फा और बीटा का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है, अल्फा और बीटा का मान निकाल लेंगे। इसको दोनों को सॉल्व करेगा तो यहाँ से अल्फा का मान आ जाएगा माइनस 2 के और बीटा का मान आ जाएगा माइनस 5 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 अल्फा माइनस बीटा की जगह पे माइनस मान रख देंगे तो माइनस 6 प्लस 5 बराबर ही हो जाएगा माइनस 1 के। तो इस तरीके से माइनस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट में दिया गया है इसका राइट आंसर, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है, उसको देखते हैं। दिया गया है कि आकृति पी क्यू एस पी क्यू आर एस टी यू एक सम षटभुज है, ठीक है, हेक्सागोन, जिसकी साइड क्या है, जिसकी एक भुजा है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एस क्यू यू का क्षेत्रफल हमें, इसका क्षेत्रफल बेसिकली ज्ञात करना है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 1/2 फार्मूला होता है सम षटभुज यानी कि हेक्सागोन का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू 3√3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। तो 1/2 इंटू 3√3/2 भुजा स्क्वायर मतलब 12 × 12, 2 × 12, 2 × 12, तो ये हो जाएगा 6 × 36 तो यहाँ 108 √3 जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, 108 √3 जो कि सी पार्ट में दिया गया, इसका सी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है। यदि एक बक्से में 2 माजा, 1 फेंटा, 1 4 एपी और 3 पेप्सी, टोटल मतलब 4 2 6 1 7 3 10, टोटल 10 आइटम है। यदि उनमें से 2 को एक एक करके बेहतर तरीके ढंग से उठाया जाता है और उनके स्थान पर दूसरी नहीं रखी जाती तो इसकी कितनी प्रायिकता है कि दोनों एपी ही हों, यह बताना है। तो इसके लिए प्रायिकता के लिए फार्मूला जो होता है उसी को हम लगाएंगे, यहाँ पे प्रायिकता ज्ञात करना है। तो एपी के लिए बात करना तो 4 एपी दिया गया तो 4C1 हो जाएगा अपॉन टोटल दिया गया 10C1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2-2 करके उठाया जाता तो 3C1 एक और आ जाएगा, 9C1 ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम खोल लेंगे तो 4 फैक्टोरियल ऊपर 4 माइनस 1
अपान करके नीचे हो जाएगा, इनटू बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है, ये नीचे हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपान 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू 3 का फैक्टोरियल अपान 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, इनटू हो जाएगा यहाँ पे 9 का फैक्टोरियल अपान 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे घटाएंगे 4 में से 1 जाएगा 3, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 4, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 10, इनटू यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 9, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यह आ जाएगा 2/15, तो 2/15 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे, तो ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो फिर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।